दूसरा संकल्प बीच में न टपके, एक ही संकल्प में एक टिक होकर के नजर से निहाल कर सकते हो, चेक कर रहे हो अपने को सब बातों में, कितना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। अगर थोड़ी भी कमजोरी है सभी बातों में, क्योंकि कारण तो पहले ही सुनाई दिए है, जो हद का लगाव है मैं और मेरा, जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क दिया था, दो मैं को समाप्त कर दो और एक मैं धारण करके रखो। दो मैं कौन कौन सी? एक मैं है मैंने ये किया, देह अभिमान की मैं, और दूसरी मैं है मैं आत्मा, बाप का बच्चा। तो सभी ने ये होमवर्क किया है, आत्मा अभिमान की मैं धारण करने में सफल हुए और देह अभिमान का मैंपन खलास करने में कहां तक सफल हुए? जो सफल हुए होमवर्क में वो हाथ उठाओ। बाप दादा ने तो सबको देखा है कौन सफल हुए हैं और कौन सफल नहीं हुए, लेकिन हिम्मत रखो ऐसी, डरो नहीं, अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं जिन्होंने आत्मा अभिमान के मैंपन को धारण किए हैं। ये टीवी में इनके हाथ दिखाओ, उन हाथ उठाए होंगे हमने का धारण किया, पीछे भी दिखाओ, बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है, ये तो सहज है ना? तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया क्या? एक तरफ होमवर्क देते हैं और दूसरी तरफ माया पीछे लगा देते हैं। माया भी आत्मा है, परीक्षा ले लेती है। इतने दिनों में क्रोध नहीं किया क्या? इस बात में बहुतों ने हाथ उठाई दिया, इस बात में थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। उनके आसपास वालों से भी पूछेंगे कि इन्होंने क्रोध किया या नहीं किया। बहुत हैं क्रोध नहीं किया, संकल्प में मन में क्रोध आया, बाचा में आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से क्रोध नहीं किया, तो भी मुबारक है। क्या बहुत अच्छा है।